सुबह सुबह का टाइम है और मेरी बेटी उठ गई है। सुबह सुबह ही मुंह में गंदा चिबा किया हुआ है इसने। बहन फातिमा इधर देखो, गुस्से में बैठी हुई है। बहन फातिमा क्या हुआ है? ये असल में लाहौर में उठती थी ना सुबह सुबह, कोई ना कोई चीज़ इसको ला के देते थे, और यहाँ पे तो कोई दुकान भी करीब नहीं है, इस वजह से ना ये सुबह सुबह उठी है और गुस्से में बैठी हुई है। चीज़ तो इसकी पड़ी हुई है, देते हैं अभी इसको। हाँ जी जी, तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? मीन का तो सब खैर खरीत से होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह उठ गए हैं और धुंध इतनी पड़ी हुई है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। देखें पीछे इतनी ज़्यादा धुंध है, लेकिन सूर्य ना थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो रहा है। वो धुंध जो है ना वो नीचे नीचे पड़ी हुई है, ऊपर जो है ना इतनी धुंध में सूरज जो है ना नज़र आना शुरू हो गया है। तो अभी 8 बजे हैं सुबह के, तो इंशाल्लाह सूरज जो है ना मेरे ख्याल में 9-10 बजे तक ना निकल आएगा पूरा। बस गांव की यही रूटीन होती है कि सुबह सुबह उठो तो इतनी धुंध होती है, इतनी ठंड होती है यहाँ पे, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सर्दी है यार। तकरीबन 8 बजने वाले हैं और सुबह सुबह उठ गए हैं। देखते हैं अल्लाह बहुत बेहतर करेगा सुबह आज का दिन कैसे गुजरता है। हम लोगों ने जाना है आज ख़त्म है उधर, तो मेरे वालदा वालद वहीं पे हैं, बड़ा भाई छोटा भाई भी वहीं पे है। हम लोग देखते हैं अभी, हम लोगों ने भी वहाँ पे जाना है, लेकिन सर्दी काफ़ी है तो देखते हैं। थोड़ा सा हल्का सा सूरज निकलता है जैसे ही, तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। गला तो मेरा ख़राब हुआ ही हुआ है, पता नहीं क्या मसला, वरना ठीक हो ही नहीं रहा। मुँह से भी धुएँ निकलते हैं, बात करते हैं तो इतने शदीद धुआँ निकल जैसे बंदा सिगरेट पी रहा हो। ज़रा इतनी सर्दी, इतनी धुंध, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। देखें ये हमारे जानवर हैं, चेक करें कितनी धुंध है बाहर, तो दूर दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, धुंध ही धुंध नज़र आ रही है बस, और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, सारी धुंध ही धुंध है। की गल है? हाँ जी, क्यों हुआ मेरी बेटी को? बेटा ये नहीं खाया जाएगा, ये ख़राब है, ये फेंक दो, नया ला के दूंगा अपने बेटे को। क्या करूं? ये तम हो गया बेटा, तम हो गया। ये गन्ने का वो एक टोटा पकड़ा हुआ है इसने, वो कहते हैं कि मुझे इसको ना सीधा करके दो, मैं इसको खाऊं, लेकिन ये खाया नहीं जा रहा, इससे सारा ख़राब हुआ हुआ। भैंसों का चारा बन गया है, बस सब सीधा पकड़ कर। ये जी हमारा छोटा सा कट्टू, दांत दिखाओ अपने दांत, दांत दिखाओ, दांत दांत दिखाओ, दांत नहीं दिखाने, वो कह रहा है कि भाई मैंने दांत नहीं दिखाने। ये हाथ खाता है, ये देख खा रहा है अभी मेरा हाथ, ज़ोर ज़ोर से खाता है, बहुत गंदा बच्चा। ये इसकी मम्मा है, अभी इसके दूध चोने का टाइम हो गया, बस अभी थोड़ी देर में ना दूध निकालेंगे इनका। आओ हाँ जी जी, तो कैसे हैं आप सब? ख़त्म पे गए हुए थे, काफ़ी लेट हो गए हैं, तो अभी अभी आए हैं, तो रात बहुत हो गई है। आज व्लॉग बना ही नहीं क्योंकि सुबह सुबह कुछ और काम था, वहाँ पे गए थे मकान के बारे में पता करने के, फिर वापस आए तो फिर ख़त्म था। उन्होंने कहा था कि जी 2 बजे ख़त्म है, तो आप 2 बजे से पहले पहुँच जाना। हम लोग तो तकरीबन 1:30 बजे पहुँच गए थे, लेकिन ख़त्म जो है ना वो होते होते अदर तकरीबन 3:30 बजे ख़त्म हुआ था, क्योंकि जो बन रहा था ना सालन वगैरह बना रहे थे, देग वगैरह बना रहे थे, वो काफ़ी लेट हो गई थी, इस वजह से वो तकरीबन 4 बजे जाके ना ख़त्म जो है वो आया। उसके बाद 4:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले, और अभी क्या टाइम हो गया, 7:30 हो गए, तो अभी हम लोग घर पहुँचे हुए। घर काफ़ी दूर है, तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है, और रास्ते भी आपको पता है गाँव के कैसे होते हैं। तो अभी आ गए हैं घर, सब लोग अभी बैठे हैं घर अंदर। मैंने कहा कि मैं चलो थोड़ी सी वीडियो बना के ना, थोड़ी सी पहले मैंने बनाई हुई थी दिन की, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बना के तो ऐड करके तो आज का व्लॉग जो है वो लगा देते हैं छोटा सा, इंशाल्लाह कल जो है ना पूरा व्लॉग बनाएंगे। आज शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाई, वो भी बनानी थी, तो इंशाल्लाह कल शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, फ़नी वीडियो, और ये भी करेंगे इंशाल्लाह। हैं जी हमारे गाँव और भैंसों के बेडरूम, यहाँ पे उन्हें बांधना है। ये भी सफाई वगैरह हुई हुई है, बस इसमें ना वो डालना है सूखा जो है ना वो डालेंगे, और इसके ऊपर इसको बांध देंगे। ये इनको सबको अंदर बांध दिया, बस अभी वो बड़े जानवर बांधने हैं बस। ये बकरियाँ जो है ना वो अंदर आ गई हैं।
ये ऐसे ही घर होते हैं भाई, ये हमारे जानवरों के कमरे हैं। हाँ जी, ये हमारी दुलरी है, दुलरी। इधर की इसको चिपक गया, ये दरख्त है लगा हुआ बीच में। बाहर तो भी अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ये दरख्त है ऊपर। ये नासर साहब लकड़ी बना रहे हैं क्योंकि सुबह चूल्हे में जलानी है, तो काट काट के रखी जा रहे हैं बस। ये इसी की हैं, देखें गीली हैं फिर भी बहुत अच्छी तरीके से बलती हैं, इसके ऊपर से ये सारी काटी हुई है। देखो बेचारी को सारा ना गंजा कर दिया टाली को। अब ये लकड़ी पड़ी हुई है, ये काट काट के रख रहे हैं, सुबह चूल्हे में चलाएंगे। हाँ जी नासरू, चलो